जेनिफर विगेट एक फिल्म और टीवी अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से अपने नवीनतम तारा बेहद के लिए जानी जाती है। वहीं उन्होंने कई भारतीय टीवी सीरियल में काम किया है जिससे उन्हें काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई है। उनका जन्म 30 मई 1985 को मुंबई भारत में हुआ था। उनका जन्म एक पंजाबी माँ और ईसाई पिता से हुआ है। जेनिफर विकेट के बहुत सारे प्रशंसक हैं क्योंकि वह अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर बेहद सक्रिय है, जहां बड़ी संख्या में प्रशंसक उनकी मनमोहक सुंदरता और उनके उल्लेखनीय अभिनय कौशल की प्रशंसा करते हैं। 12 साल की उम्र में जेनिफर विगेट ने अपने करियर की शुरुआत की जब वह आमिर खान और मनीषा कोइराला अभिनीत फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया में एक बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। 14 साल की उम्र में वह अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत कुछ ना कहो नामक फिल्म में दिखाई दी जिसमें उन्हें एक बाल अभिनेत्री के रूप में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने कई भारतीय टीवी शो में काम किया जिसके लिए उन्हें काफ़ी सराहना मिली। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक बेहद में काम किया है जिसमें वह माया मेहरोत्रा के रूप में दिखाई दी है और कन्या धार्मिक बेपनाह में भी दिखाई दी है जिसमें वह जोया सिद्दीकी के रूप में दिखाई दी है। 2019 में उन्होंने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाली सीरियल बेहद दो में भी काम किया है। बाद में उन्हें कार्तिक से बड़ी सफलता मिली है जिसमें वह अब एक संघर्षता गायिका के रूप में दिखाई दी है जो अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करती है। इस बीच उन्होंने कसौटी जिंदगी की में स्नेहा के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 2009 में उन्होंने धारावाहिक दिल मिल गया में रिधिमा गुप्ता के रूप में काम किया है। 2012 में उन्हें सूची में 50 सबसे सेक्सी एशियाई महिलाओं में से एक माना गया था। 2013 में वह फिर से 50 सबसे सेक्सी एशियाई महिलाओं की सूची में शामिल हुई और 15वें स्थान पर रही। इसी तरह उन्हें अपनी ग्लैमरस खूबसूरती के लिए कई तरह के खिताब भी मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने 1995 से 2003 तक बाल कलाकार के रूप में 5 फिल्मों में अभिनय किया है। 2018 में उन्होंने फिल्म फिर से काम किया है जिसमें वह काजल कपूर के रूप में दिखाई दी है जबकि इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 2020 में वह वेब सीरीज कोड एम में भी नजर आई है जिसमें वह मोनिका मेहरा के रूप में दिखाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने 25 से ज़्यादा टीवी सीरियल में काम किया है जिससे वह पॉपुलर हुई है। विभिन्न प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मानों के बीच उन्हें 2018 में धारावाहिक बेपनाह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में लायन गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था।